अभी लाइट चाहिए तो जला लूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं ना अभी हेयर कट जो ले रही हूँ ना, तो उसमें कैसा ले, देखो आप देखो, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेंथ भी नहीं है, बाल एकदम पतले हैं नीचे से। अभी इसमें मैं बहुत सारा वॉल्यूम डालूँगी, लाइक फेदर जैसा ही लगेगा, फेदर कट। और पूरा देखो कितने पतले बाल हैं, यहाँ से वॉल्यूम है, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं है, ये टेल हो गई है। तो अभी आप देखो मैं कैसे कट ले रही हूँ। इजी वे में मैं काटूँगी। ये सेक्शन लेना ज़रूरी होता है, आप विदाउट क्लिप भी कर सकते हो। हमको ये पहले, हमको पहले बेस बनाना होता है। ये हमारी, यहाँ से हम बेस शुरू करेंगे और देखो कई सारे चलेगा, कई सारे हाँ चलेगा। तो देखो अभी क्लाइंट से हम पूछ सकते हैं कि लेंथ कहाँ से लेना है, तो लेंथ हमारी कहाँ तक चाहिए आपको लेंथ, हाँ तो इतना मैं काट रही हूँ लेंथ। ठीक है, क्लाइंट को बिना पूछे कभी मत काटो लेंथ। ठीक है, हाँ चलो। तो अब देखो इनका मैं यहाँ से ले रही हूँ, मेरी बेस हो गई। अभी मैं इनका किस तरह से काटूँगी, डिफरेंट तरीका है, दिखेगा फैदर लेकिन टेक्निक दूसरी है और देखने में भी डिफरेंट लगेगा, अच्छा लगेगा। अभी मैं जब हम एक स्टार्ट करेंगे तो हम फिर उसी में चलते जाएंगे। और मैं ट्रैवलिंग, इसको मैं जो घूम रही हूँ ट्रैवलिंग कर रही हूँ ना, तो मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो कैसे करना है इसको, ऐसे जहाँ पे सेक्शन होगा वहीं पे मैं खड़ी रहूँगी। जैसे मैंने ये सेक्शन लिया तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसके सामने खड़ी हूँ मैं, ठीक है, ऐसे लेना है इस तरह से। पहले हमको बेस बनाते जाना है, जो मेन कट है वो लेना है, इसके बाद में फिर लेंथ कम नहीं होगी, जितनी लेंथ हमको चाहिए फिर हम उसके बाद में इसको स्टाइल देंगे। फिर आवाज़ बस तो नहीं होता, ये हमारा, ये हम आगे तक है। अच्छा अभी कैसे होता है कि ना लोगों को यहाँ से कंटिन्यू लेयर ची होता है, ये जो फ्रंट है ना यहाँ से लेयर ची होता है, यहाँ से नॉन स्टॉप लेयर ची होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये बालों को इस तरह से लेंगे। मैंने ये लिया, ये जो मेरा, ये मेरा पॉइंट है स्टार्टिंग का, और फिर ये मैं अपने ऊपर कितना भी रख सकती हूँ, इस तरह भी कर सकती हूँ, फिर ये मैं, और जब मैं सामने आऊँगी तो बिल्कुल बालों को सामने लेना है। हाँ आप सेक्शन ले लो, आप इसके लिए ऐसे ले लो, आप एक मेजरमेंट ले लो और वही मेजरमेंट दूसरी तरफ होगा सेम, ये इस तरह से होगा, ये मेन है, ये मैंने इस तरह लिया, फिर मैं फिर और आगे आऊँगी। ऐसे बालों को छोड़ूंगी तो आप देखोगे कि ये देखो यहाँ से लेयर, ये देखो ये जो लेयर, यहाँ से जो लेयर आ रही है, ये देखो आपको दिख रही है, ये देखो ये लेयर आई, ये इसके साथ मर्ज हो गई, कंटिन्यू मर्ज हो गई, ये देखो ये इसके साथ ऐसे कंटिन्यू मर्ज हो गई। इसी तरह हम दूसरे साइड भी करेंगे। आपको हैबिट नहीं है तो आप हाथ रख के ही यहीं कट करोगे, ऐसे ही कट करोगे। अगर आपको बहुत अच्छी हैबिट है, बहुत प्रैक्टिस है, तो आप उसको उठा सकते हो पकड़ने के बाद। जब मैंने यहाँ पकड़ लिया है उसके बाद में मैं इसको हिलाऊंगी नहीं और मैं ऐसे ही रखूंगी, तो ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हैबिट नहीं है, आपने नए नए कट कर रहे हो, आप सीख रहे हो, बिगनर हो, तो आप सिर्फ उसको इस तरह से ही टच रखोगे और फिर कट करोगे स्टार्टिंग में, है ना।
तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप कर सकते हो, आपको जजमेंट हो जाएगा। अभी आपको जजमेंट नहीं है तो आप सिर्फ इस तरह करो। ये एकदम इस तरह से मैंने इस तरह से लिया। अब मैं फिर से वैसे ही आगे आगे जाते जाऊंगी, है ना। अब मैं बिल्कुल सामने खड़ी हूँ तो मैंने बाल सामने के लिए, ये मेरा स्टार्टिंग है ये मेरा, और इसके साथ में मैं बिल्कुल सीधी लाइन करूँगी, ये देखो, है ना। फिर यहाँ से फिर लिया, अब मैंने फिर से इसको देखो, ये अब हमने यहाँ से लिया था इतना सा क्राउन आगे का हिस्सा, तो हम फिर से उसको ऐसे करेंगे, ऐसे हम उसको इस तरह लेंगे, और फिर इधर का हम दोनों बालों को लेके, दोनों बालों को लेने के लिए कभी भी जब हम यहाँ से फ्लिक्स कट करते हैं तो हमारा ये आईब्रो का आँच है ना, ये यहाँ से ये आईब्रो का ये हिस्सा और आईब्रो का ये हिस्सा, है ना, ये दोनों ऐसे लेना चाहिए, बिल्कुल आईब्रो के इधर आना चाहिए हमारा, और फिर हम उसको देखेंगे कैसे है, ठीक है। ये हमारा लास्ट मेजरमेंट है, इसको सीधा करना है। अब मैं इनका फ्लिक्स ले रही हूँ, फ्लिक्स काटने के लिए मैं क्या करूँगी। अच्छा, बाल हमेशा 100% गीले होना चाहिए, बाल सूखे रहेंगे तो कटेगा नहीं। गीले बाल, सूखे बाल कटते हैं, और सिल्की हेयर होता है तो ड्राई बाल कटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वरना 100% गीले होंगे तो ज़्यादा अच्छा। अब मैं इनका फ्लिक्स ले रही हूँ, ये मैंने लिया, अब मैं कैसे काट रही हूँ, बोथ साइड वाला, मैं वन साइड नहीं काट रही, मुझे बोथ साइड चाहिए, अगर वो एक साइड रखे तो भी और दो साइड रखे तो भी अच्छा दिखे। तो मैं क्या करूँगी, दोनों बालों को इस तरह पकड़ूँगी, और कितनी लेंथ चाहिए उसके ऊपर है, उसको डिपेंड है ऐसे, अब मैं सीधा कर दिया। मैंने क्या किया था, क्रॉस किया था, क्रॉस करने के बाद में मैं ये मर्ज करना ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी होता है, बालों को अलग टेक्सचर दिखता है इससे। अब ये दोनों साइड भी कर सकते हैं हम बालों को, और एक साइड भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से बालों को और कम लेंगे, थोड़े से बालों को और कम लेंगे, और फिर मैं इधर से मैं इसको क्या करूँगी, ऐसे पकड़ूँगी, अब देखो मैं बालों को कैसे मैं फ्रिंजेस निकाल रही हूँ हम ना इस तरह से, आप लोग जो इस तरह लेते हो ना ऐसे ले के, और आप टेक्सचर जो करते हो ना, ये हम पहले करते थे जो इस तरह से, मैं आसान तरीके से आपको समझा रही हूँ, उसको ऐसे लेना है, ऐसे लेके इस तरह लेना है, जैसे हम हाईलाइट में लेते हैं हमको वैसे लेना है। ये लिया, ये मैंने उठाया, टेल कॉम से भी कर सकते हो आपको नहीं आ रहे तो, और ये हम लेंगे आधा इंच के आसपास, मैंने देखो लिया है आधा इंच के आसपास, मैंने ये कट कर दिया है। फिर से हमको लेना है, देखो मैं टेलीकॉम से समझा रही हूँ, आप जब छोटे फ्रिंचेस लोगे तो भी उसमें ये कर सकते हो, देखो सीधे से नहीं समझाया तो इससे देखो, ऐसे से लेना है, ऐसे लेना इस तरह से, और ये ऐसे करना है, और अब इसका फर्क देखो आप,
यहाँ से आपको थिक लग रहा है और यहाँ से वो थिन आ गया और इसका लुक भी ये थिक हो गया, यहाँ से थिन हो गया। अब पीछे हम कैसे करेंगे, अभी मैंने आगे का ये जो है ना, ये जो पार्ट है, इस हिस्से को थोड़ा सा और मिक्स करूँगी, इन बालों के अंदर मर्ज करूँगी। तो मैं इस तरह पकड़ूँगी, मेरी लेंथ बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए, मैं बिल्कुल सीधा होना चाहिए और सीजर सिर्फ आपकी सीजर सिर्फ सिर्फ टच होना चाहिए, सिर्फ टच होना चाहिए, सिर्फ टच। सीजर ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे, अगर आपने ज़ोर से दबा दिया तो कट हो जाएगा बाल। हेयर कट में सिर्फ यहाँ पे हमको सीजर टच करना है, टच करके निकालना है। ये हो गया, ये देखो ये आ गया ना, अब वैसे इधर करना है। वैसे इधर करना है, ये लिया मैंने, एक सेक्शन टाइप लेना है, इतना सेक्शन लेना है और इसको लेने के बाद में हमें, अगर आपको नहीं समझा तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं फिर से कभी काट दूँगी। इतनी यहाँ से पकड़ना है क्योंकि मेरा पहला मेजरमेंट ये है, मैं इसको छोड़ती हूँ और यहाँ से मैं सिर्फ सीजर टच करती हूँ, सिर्फ टच कर रही हूँ मैं, हल्का हल्का सिर्फ टच करना है। पीछे से हाथ देना है, मैं पीछे साइड खड़ी हूँ, आगे मैंने सीजर पकड़ा है, आगे से बाल पकड़े हैं, पीछे खड़े रह के आगे से पकड़ना है और फिर सिर्फ इसको ऐसे टच करना है। ये देखो आ गया लेयर। अब पीछे मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने ये सेक्शन लिया, अब मेरी लेंथ कम नहीं होगी, लेंथ जितनी की होती होगी, अब इसमें मैं लेयर डाल रही हूँ। तो लेयर डालने में आप क्या करूँ, आपने ये वाला आपका जो है, आपकी ये लेंथ है, ये मेन लेंथ है, आप ये सेक्शन लेंगे इस तरह से, ये सेक्शन लेंगे और इस सेक्शन को अपोजिट में लेके जाएंगे, इधर का सेक्शन इधर लेके जाएंगे और मेरा ये मेरी मेन लेंथ है, इसको मैं छोड़ दे रही हूँ और फिर मैं इसके ऊपर का कट कर दूँ। एक बार किया मैंने इसको, फिर मैं इसको और ऊपर लेके जा रही हूँ, 90 प्लस में जा रही हूँ और फिर मैं इसको इस तरह से देखो फिर से ये हमारी मिडिल लाइन थी, बीच में हमने सेक्शन दिया था और ये हमारी साइड से हमने निकाला। मैंने ये लिया, इसको सीधा लिया और मैं अपोजिट की वे में गई, उस तरफ जाना है और मेरा ये मेन था, मैंने इसको छोड़ दिया और फिर मैंने बाकी के सब काट दिए। और फिर सेकेंड बार मैंने फिर से लिया, मैं 90 प्लस में गई, 90 के ऊपर गई, एंगल चेंज किया मैंने और मैंने फिर सीधा उसको काट दिया। इस तरह से पूरा करना है, कंप्लीट। बाल बहुत मोटे तो आप सेक्शन बारीक लो, थिन लो, और बाल अगर बहुत थिन है तो सेक्शन आप थिक ले सकते हो। देखो ये मेरा मेन मैंने गिरा दिया, अब मैं उधर गई हूँ और ये मैंने काटा, फिर से मैंने एक लिया, अब मैं 90 के एंगल में कर रही हूँ, 90 और फिर मैं 90 प्लस गई। बाल रफ हैं तो आज रात में एक तेल डालने वाली हूँ, अब उसको 15 डेज तक यूज करोगे आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये हुआ 90, ये 90 है, ये मेरे बाल थे जो नीचे आ गए, मेरी मेन लेंथ है, ये 90 का एंगल है, मैंने 90 में पहले कट किया
फिर मैं जाऊंगी 90 पे आऊंगी। नहीं समझा तो कमेंट करना आप लोग। फिर से मैंने ये देखो मैंने 90 में ये मेरे बाल नीचे गिर रहे हैं इनको गिरने दो। फिर 90 में गई मैं, फिर 90 में मैंने कट किया है ना, और फिर मैं 90 के आगे गई। फिर मैंने इनको सेम उसी तरह इधर आना, लेकिन यहाँ से हमारी लेयर ख़राब नहीं हो तो उसके लिए क्या करना है। ये मैंने सीधा किया, सीधा करने के बाद मेरे बाल ये देखो ये मेरी लेयर जो लेयर कट है मेरा पूरा इधर आ गया है ना। और फिर मैंने उसको यहाँ पे मैं मर्ज कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रंट का एरिया है, यहाँ थोड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है। ये देखो वॉल्यूम आ गया। सेम इस तरह इधर आप विदाउट क्लिप भी काट सकते हैं। मैंने ये लिया और मैंने सेक्शन को फिर से, मेरा सेक्शन सीधा नहीं है, ये मेरे बाल ये देखो ये मेरी लेंथ छुप गई, ये मेरे बाल पहले वाले, ये वाला मेरा पहला सेक्शन, ये वाला इधर भी मेरे हाथ में है, बस इसको लेके ही करना है। एक बार मेजरमेंट बन गया उसी को लेके करना ये। फिर से हम क्या करेंगे, वैसे ही हम लोग आधा जो कटा है वो लेंगे हमेशा और आधा फिर नया लेंगे, तब आपको समझ में भी आ जाएगा। सीधा लिया ये मेरा पहला सेक्शन, इसको लेके मैं काट दूँगी। फिर मैं और आगे गई और फिर आधा पहले का कटा हुआ और आधा नया हाफ हाफ सेम उसी तरह कटना है। ब्लर रह गई बात का मैं आपको लुक दिखा दूँगी। देखो ये पहला सेक्शन, इसके साथ में मैं यहाँ पर डाल दूँ और फिर ये सेकंड। अब मैं 90 पे आ गई बिकॉज कान के पास हूँ, अब 90 के एंगल पे आ गई। सीधा लिया मैंने, मेरी जो लेंथ थी वो गिर गई और जो मेरी पहली लेंथ है ये है, मैं उसके साथ में ही आगे गया। सेम इस तरह से यहाँ पे भी अब मैं फ्रंट में आई हूँ, फ्रंट में मुझे फिर से वॉल्यूम चाहिए तो मैं फ्रंट के बालों को फिर से वैसे उठाऊंगी और फिर से मैंने वैसे ही किया, मेरी लेयर के बाल पूरे इधर आ गए और ये वालों को मैंने फिर से इनको मैंने मार्च किया। देखो ऐसे ऐसे करना है, आप क्या कर यहाँ से यहाँ तक लेयर्स में आ गए, खूब अच्छे लेयर्स आए हैं, लेकिन मुझे थोड़े से और लेयर्स चाहिए। अगर कर्ल्स हैं तो यहाँ तक ही कट करोगे, अगर बाल सीधे हैं तो और ऊपर लेके आओगे। कर्ल्स रहेंगे तो सिर्फ इतना लेंथ रखना है कम से कम आधा फुट और बाद में कट करना है, और अगर सीधे वाले तो ऊपर ले सकते हो। अब मैं पूरे बालों को आगे ले रही हूँ।
हाफ वाले, पूरे हाफ वालों को आगे लिया। मेरा हाथ पीछे है, मैं पीछे खड़ी हूँ। ये मैंने वालों को मर्ज करना शुरू किया। आगे हल्के हल्के से देखो, मैंने मर्ज करना शुरू किया। मैंने सिर्फ चेक करने के लिए, नाइन्टी एंगल में चेक करने का, उसका कट करने के लिए एंगल चेंज कर देने का। 90 का है, कट करने के लिए मैंने एंगल को नीचे जाएगा। एंगल नीचे, कहीं मिलने वाला। तुमने मेरे से कब कराया? कराई ना पहले। क्या होते हैं? हाँ मैं हेयर कट वाली ना कहीं कराती नहीं। ये कड़ा बड़े सालों बाद कर ऐसे फॉलो थे तुमने और सॉफ्ट रहते। यही कट आप देखते हैं लास्ट में पूछते कॉल किया इतना अच्छा गिरता कॉल। वो मैं तेल डाली हूँ ना जो, वो तेल आप हफ्ते में एक बार जरूर लगाना और फिर उसका रिजल्ट